जय श्री कृष्णा। आज मैं हंडी में चावल बना के बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये हंडी में बना हुआ चावल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जनरली लोग ना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहता, लेकिन लोग कुकर में बनाते हैं कि जल्दी बन जाएगा और ये मतलब देखना नहीं पड़ेगा इसको बार बार। लेकिन हंडी वाला चावल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और आजकल तो लोग इसमें जो मार है वो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। मैंने ये वाला चावल यूज़ किया है, पहले से ही धो के मैंने रख लिया है। आप हंडी में जब भी चावल बनाएं तो जितना चावल आप लें आप उसका, आप जैसे मैंने 1 गिलास चावल छोटे वाले गिलास से लिया है तो मैंने 4 गिलास पानी दिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा चावल पकने के बाद उसको निकाल देना है। तो आप उसी हिसाब से लेंगे, जिस भी चीज़ से आप अपने नापेंगे उसी हिसाब से आप उसी नाप से आप पानी भी लेंगे। तो देखें आगे कैसे मैं करती हूँ। अब इसको गैस पे चढ़ाएंगे पकने के लिए। मैंने पानी और चावल को डायरेक्ट ही एक ही साथ चढ़ा दूँगी। चावल को गैस पे रख लिए हैं, फ्लेम ऑन है। अब इसको बॉईल होने देंगे। जैसे ही एक उबाल आएगा ना तो फिर इसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, फिर ये स्लो पे होता रहेगा। इसको देखना नहीं पड़ता, बस बार बार तुरंत ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट तो लगेंगे। उबाल आना शुरू हो गया है पानी में। एक दो बार इस टाइम पे चला देंगे, नहीं तो क्या होता है ना कि जो नीचे चावल हीट से नीचे चिपकने लगता है। तो अभी चला देते हैं। जब अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा, उबाल बिल्कुल आ जाएगा, तब गैस को स्लो करेंगे। ये चावल हेल्थ के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इसका चावल का स्टार्च है वो तो निकल जाता है। और कुकर में क्या रहता है कि सब लोग साथ ही रह जाता है, तो उसके कारण आजकल तो जो हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग हो गए हैं। अब पहले तो गांव में लोग या कहीं भी लोग ऐसे ही चावल बनाया करते थे जिसमें मार निकाल दिया जाता था। स्टार्च को हम लोग मार भी बोलते हैं, तो मार को निकाल दिया जाता था। उबाल आना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा गैस को मीडियम आंच पे कर लेंगे और इसको पकने देंगे। देखें ये चावल अब होने पर है, दिख रहा होगा कितना फूल के डबल हो गया है ये चावल। इसको आप ऐसे दबा करके भी देख सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लगभग हो गया है। यदि आप थोड़ा सा एकदम चावल खिला खिला खाना चाहते हैं, मतलब पसंद है खाने में, तो आप इस टाइम पे ही इसको स्ट्रेन कर लेंगे। मैं 1 मिनट और इसको लगाऊंगी, मतलब होने दूंगी, उसके बाद इसका स्टार्च निकाल लेंगे। आप पानी, मैंने आपको बोला कि मैंने 1 गिलास चावल में 3 गिलास 4 गिलास पानी दिया है, चावल 1 गिलास और पानी 4 गिलास। लेकिन क्या है ना कि आप लोग को यदि लगे कि नहीं पानी कम है तो आप और भी दे सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो जब बचेगा तो वो तो निकल ही जाना है। कभी कभी क्या होगा ना कि जो बॉइल्ड पैडी का जो चावल बनता है ना, जिसको ऐसे हम लोग उसना भी बोलते हैं, तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा फैलता, तो पानी ज़्यादा वो सोखता है। तो हो सकता है कि आपका इस अनुपात में पानी उसमें कम जाए। ये मेरा थोड़ा छोटा दाना वाला है इसलिए इसमें ये ठीक है, 1 और 4 पानी जो मैंने लिया है। लेकिन आप एक्स्ट्रा भी पानी देंगे तो उससे कोई हानि नहीं है, इसको तो बाद में निकाल ही लेना है पानी को।
तो ये रहता है कि वो बड़ा वाला चावल जो उसना रहता ना बॉइल्ड पैडी वाला, वो कभी कभी डबल से ट्रिपल भी थोड़ा ज़्यादा फूलता है बनने के बाद, जब चावल पक के तैयार होता है तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा। और यदि आप ऊपर से ठंडा पानी देंगे तो चावल चिपक जाता है थोड़ा, चिपकने का मतलब वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, थोड़ा टेस्ट में भी अंतर आता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ही लगा के आप इसमें दें। अब इसका मार निकाल लेंगे। अब ये देखें परफेक्टली हो गया है, पूरा दब गया है, दिख रहा होगा। ऐसे चावल आप दबा के देख सकते हैं, है ना। अब इसका मार को निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पानी इसमें बचा हुआ है। अब देखें ऐसे इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन थोड़ा संभाल के करें, अच्छे से दोनों तरफ कपड़े से पकड़ लें कि ये मतलब ढक्कन नीचे ना हो जाए। स्टार्च निकलने के बाद भी क्या है ना, इसका कुकिंग प्रोसेस होते रहता है। यदि आप यहीं पे अरवा चावल बनाएंगे ना, तो उसको क्या है कि एक दाना कच्चा रहता है तभी उसका मार निकाल लेते हैं। मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगी कि वो आप जिसको अरवा कहिए बासमती कहिए, वो चावल परफेक्टली हंडी में एकदम खिले खिले कैसे बनते हैं। पूरे पानी ये निकल गए हैं, देख पूरे पानी निकल गए। 7 से 8 मिनट लगता है, एक बार जब चावल उबाल आ जाता है चावल में तब आप इसको स्लो कर दें, तो 1 से 2 बार चलाना पड़ता है। अब देखें ये चावल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अब जब देखें बिल्कुल खिला खिला ये चावल होता है। देखें ये भी कुकिंग प्रोसेस में है, इसको ढक के रख देंगे तो बिल्कुल फ्रेश चावल बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखें कितना फ्रेश चावल हुआ है, बिल्कुल स्टिकी नहीं। तो इस तरह से ऐसे चावल बनाइए, हेल्दी रूप में खाइए और एंजॉय कीजिए। और एक बात, हाँ, जो मेरे चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।